जब से खेल मंत्री संदीप सिंह का महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तब से खेल मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज कैथल में अध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, महिला संस्था और छात्र संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और रोष मार्च निकाला। खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला फूंककर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, उन्हें मंत्री पद से निकाल देना चाहिए, उन पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। रूहल खाप भी महिला कोच के समर्थन में आ गई है और रूहल खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान का कहना है कि खेल मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब संगठनों ने मिलकर खेल मंत्री का, संदीप सिंह का पुतला दहन किया है, क्योंकि आपने देखा है हरियाणा के अंदर जो सत्ता में सरकार है, ऐसे ऐसे मंत्री बिठा रखे हैं जिनका चरित्र जनता के सामने है। एक महिला कोच के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और सरकार के नुमाइंदे जो है, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो बेटियां बची हुई हैं, पढ़ी हुई हैं और आगे भी बढ़ी हुई हैं, उनके साथ ये सरकार के सत्ता पक्ष के लोग ऐसा ऐसा कारण करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि ना केवल उनको पद से बर्खास्त किया जाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए और जो कानून के तहत धाराएं उन पे लगनी चाहिए वो धाराएं लगा के उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मंत्रिमंडल से उनको बाहर किया जाए। हम लोगों की यही मांग है, जो उस महिला कोच के साथ जो छेड़छाड़ का मामला आया है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, हरासमेंट हुई है सेक्सुअल उनके साथ, उस चीज के ऊपर इनको जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और जो उन्होंने नकली मुकली का जो वो इस्तीफा दे दिया ना, इन इस्तीफों से लोग पिघलने वाले नहीं है, जनता सब जानती है। हमने ये प्रदर्शन किया है खेल मंत्री के खिलाफ, जो ये कोच लड़की के साथ संदीप ने भद्र ये किया है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, हम इसके पूरे खिलाफ हैं। हमारी रूहल खाप उनके पूर्ण रूप से खिलाफ है और हम लड़की के समर्थन में हैं जो महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। मंत्री पदों पे इतने इतने ऊंचे हुद्दों पे बैठ के ये सरासर समाज के लिए बहुत शर्मनायक है, बहुत शर्मिंदा करने वाला है। ये जो हम सरकारें सोचती हैं क्या बेटी पढ़ाओ बेटी, ये रोज़ खबरें लगती हैं, रोज़ ये इतने उद्योग बैठ के ये गलत व्यवहार करते हैं, समाज में इसका असर गलत जाता है। बच्चे कहाँ लड़कियाँ हमारी खेलने जाएंगी, कहाँ किसके उस पर खेलनी जाएंगी, यहाँ कहाँ ग्राउंडों में किसके साथ खेलेंगी, कहाँ मंत्री ऐसे भद्र व्यवहार करेंगे, तो कहाँ कहाँ तक इनकी सोच है। और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। गौरतलब है कि खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है, अब अध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, महिला संस्था और छात्र संगठन भी विरोध पर उतर आए हैं। ऐसे में संदीप सिंह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। हर कोई निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की मांग कर रहा है, अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ साफ होता है। पंजाब के सी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।